नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in। आज JEE Mains 2018 का एग्जाम हुआ, जिसमें टोटल 11 लाख स्टूडेंट्स अपियर हुए। इस पर ज्यादा बात करेंगे हम मेंटोर्स एडुसर्व के डायरेक्टर आनंद जायसवाल जी से। सर, पहले तो लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, 11 लाख स्टूडेंट्स ने पूरे इंडिया में ये एग्जाम दिया और मेंटोर्स अपना की एनालिसिस तो कर ही चुका होगा, तो कैसा था सर इस बार का पेपर? फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। पेपर अगर हम देखें, पिछले बार से कंपेयर करें तो पिछले बार से ज़्यादा डिफिकल्ट था पेपर। और पेपर के एनालिसिस की बात करें तो एक हमने पूरा डिटेल एनालिसिस किया हुआ है। जो क्वेश्चन फिजिक्स में है, टोटल 30 क्वेश्चन थे, जिसमें 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, लेकिन 17 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत आप बोल सकते हैं कि कॉन्सेप्चुअल थे और वो बच्चे कर सकते थे, और 10 क्वेश्चन तो बहुत आसान थे। अच्छा। तो हम बात करें तो 10% क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं फिजिक्स में, बाकी 90% क्वेश्चन ऐसे जो इजी या मॉडरेट आप बोल सकते हैं, जो बच्चे कॉन्सेप्चुअली कर सकते हैं। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो ऐसे केमिस्ट्री के एनालिसिस भी हमारे टीचर्स ने किया है, और इसमें आप देखेंगे तो जो केमिस्ट्री, उसमें 9 क्वेश्चन जो है आपके डिफिकल्ट थे, जो जनरली ऐसा जेईई मेन में नहीं होता है। अच्छा। और 14 क्वेश्चन आसान थे और 7 क्वेश्चन थे मीडियोकर टाइप के थे। मतलब इसमें 30% क्वेश्चन केमिस्ट्री में डिफिकल्ट होना, ये पेपर को डिफिकल्ट बनाता है। जो बच्चों से मेरी बात हुई है, उसमें ये जनरली जेईई मेन के पेपर जो अच्छे बच्चे हैं वो 30 से 40 मिनट में निकाल लेते हैं, लेकिन आप बच्चों को 50 मिनट से 1 घंटे का भी टाइम मिला, लेकिन स्कोर किया है बच्चों ने केमिस्ट्री में, लेकिन पेपर रिलेटिवली केमिस्ट्री का जेईई मेन के हिसाब से टफ माना जाएगा। अच्छा। और इस बार स्टूडेंट्स से बात करें, मैथ्स में आपको बता दूं, मैथमेटिक्स में आप देखें तो 4 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, 16 क्वेश्चन बहुत मीडियोकर लेवल के थे, और 10 क्वेश्चन बहुत आसान थे, जो बच्चे कॉन्सेप्ट बना के कर सकते हैं। थोड़ा लेंथी था मैथ्स इस बार शायद। मैथ्स लेंथी नहीं बोल सकते, केमिस्ट्री रिलेटिवली आप बोल सकते हैं डिफिकल्ट। अच्छा। तो और क्या क्या चेंजेस आए हैं कम्पेयर टू लास्ट ईयर क्वेश्चंस में? क्वेश्चन में चेंजेस नहीं है, क्योंकि पेपर का ट्रेंड आप देखेंगे केमिस्ट्री टफ हो गया, मैथ्स से कुछ क्वेश्चन लेंथी हो गए, तो उस हिसाब से कट ऑफ मार्क्स कम हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, जैसे लास्ट ईयर 81 था जनरल कैटेगरी कट ऑफ, तो इस बार लग रहा है हमें 70 से 80 के बीच कोई एक आएगा नंबर, इस पे कि बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे जेईई एडवांस के लिए। अच्छा। और जो बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं एडवांस के लिए, उन्हें किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए? देखिए, जो बच्चे जेईई मेन क्वालिफाई कर जाएंगे, रिजल्ट 30 अप्रैल को आने वाला है, तो बच्चों को ऑलरेडी जैसे हमने अपने वेबसाइट पे सॉल्यूशन दे रखा है, उनका आंसर की दे रखा है, तो बच्चे एक बार अपने मार्क्स को रिव्यू कर लें कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर उनको लग रहा है 100+ मार्क्स आ रहे हैं, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी के हैं वो, उनको जेईई एडवांस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम फिर 20 मई को है, तो अगर 30 अप्रैल के हिसाब से प्लान करेंगे तो बहुत डिले हो जाएगा। तो 1-2 दिन रिलैक्स कर सकते हैं, प्लानिंग में टाइम डिवोट कर सकते हैं, लेकिन 2-3 दिन के बाद उनको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अच्छा। और जो बच्चे 2019 के लिए अपेयर होना चाह रहे हैं, हाँ, यहाँ पे 2 चीजें हैं कि जैसे एक इस तरह के बच्चे भी होंगे जिनका जेईई मेन आज बहुत अच्छा नहीं गया होगा, हाँ। तो उनको डिमोरलाइज या डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है, उनको देखना चाहिए पेपर किस तरह का आता है, और वो चाहे तो 1 साल ड्रॉप करके अगले साल फिर से तैयारी कर सकते, 2019 जिसकी बात कर रहे हैं। और एक ऐसे बच्चे जो कि अभी क्लास 12th में जा रहे हैं या चले गए हैं, उन बच्चों के लिए अगला साल फिर से जेईई मेन का एग्जाम होगा, तो उनको मैं एडवाइस करना चाहूंगा कि एक बार वो आज के पेपर का जो 11th का पोर्शन है उनको रिव्यू करें वो, और देखें कि उनकी तैयारी 11th के लेवल पे क्या है, और 12th के लिए और कितना बेहतर उनको करना पड़ेगा। उनके लिए पूरे साल का टाइम है, जहाँ भी वो पढ़ रहे हैं, अगर नहीं कहीं कोचिंग लें तो प्रॉपर कोचिंग उनको लेनी चाहिए 1 साल की, और अच्छी तैयारी करनी चाहिए। उसमें ध्यान ये रखना है कि बच्चे पूरी तरह से सब्जेक्ट को थॉरो करें, है ना, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ज्यादा ऐसा नहीं कि स्टिक करें या कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़े, उससे अच्छे रैंक नहीं आ पाएंगे और बच्चों का सिलेक्शन भी कभी कभी उस वजह से नहीं हो पाता। तो अभी टाइम है 42 डेज का बच्चों के पास, उन दिनों में वो ठीक से प्रिपेयर करें और ओवरऑल सब्जेक्ट को प्रूव करें। तो हमारे साथ थे मेंटोर्स एडुसर्व के डायरेक्टर आनंद जायसवाल, जिन्होंने बच्चों को गाइड किया कि किस तरह से वो प्रिपेयर करें, हर तरह से जो पेपर्स आए हैं उसकी एनालिसिस भी की इन्होंने, और जो बच्चे नहीं भी क्वालिफाई हो रहे हैं
उन्हें मोटिवेटेड रहकर ड्रॉप लेकर अच्छे से प्रिपेयर करने की सलाह दी। लाइव सिटीज की रिपोर्ट, अक्षय आनंद के साथ।